माइसेल्फ सर्वेश कुमार, और लास्ट क्लास हमने सीखा था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, और जिनको हम इन शॉर्ट बोलते थे रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक, तो वो टॉपिक हमने खत्म किया और आज हमें सीखना है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। रोज की लाइफ में ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का क्या इफेक्ट होता है उसको आज हम पढ़ रहे हैं। ठीक, तो ऑक्सीडेशन के एवरीडे लाइफ में दो बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। फर्स्ट होता है बेटा कोरोजन ऑफ मेटल, सेकेंड होता है रेंसिडिटी ऑफ फूड। देखते हैं जरा क्या है। देर आर टू कॉमन इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच वी ऑब्जर्व इन डेली लाइफ, दीज आर कोरोजन ऑफ मेटल्स। कोरोजन ऑफ मेटल्स का मतलब क्या है कि मेटल्स का एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में या फिर किसी केमिकल से रिएक्ट करके डैमेज होना या खराब होना, उसे बोलते हैं कोरोजन ऑफ मेटल्स। सेकेंड है रेंसिडिटी ऑफ फूड। रेंसिडिटी ऑफ फूड का मतलब क्या है, एयर सनलाइट और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो भी फूड मटेरियल खराब हो जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं सड़ जाते हैं, उसी को बोलते हैं रेंसिडिटी। तो ये दोनों एवरीडे लाइफ में कोरोजन के एवरीडे लाइफ में ऑक्सीडेशन के इफेक्ट है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा। आप देखते हैं बेटा कोरोजन को। कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर और ए केमिकल सच एज एन एसिड ऑन देयर सरफेस। मींस कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटल्स ग्रेजुअली ईटन अप, मतलब डैमेज हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। कैसे, एयर की प्रेजेंस में या एयर से देख करके, मॉइस्चर से रिएक्ट करके, या फिर किसी भी केमिकल एग्जाम्पल के लिए हमने लिया एसिड से रिएक्ट करके। तो कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटल एयर मॉइस्चर या फिर किसी भी केमिकल से रिएक्ट करके डैमेज हो जाते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन। ठीक, कोरोजन इज कॉज्ड मेनली बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स बाय द ऑक्सीजन ऑफ एयर। मोस्टली केसेस में कोरोजन कैसे होता है, मेटल का ऑक्सीडेशन के थ्रू होता है, जिसमें ऑक्सीजन क्या करता है, मेटल से जाके रिएक्ट कर जाता है। और जब किसी भी सब्सटेंस से जाके ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो सब्सटेंस का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। बिकॉज हम ऑलरेडी से सीख चुके हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कोरोजन के लिए जो मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन जाके मेटल पर एडअप होगा तो बोलेंगे हम क्या होगा, मेटल का ऑक्सीडेशन। तो ध्यान रखेंगे हम कि जब भी कोरोजन होता है मेटल का, तो मेटल का हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक, अब इसके एग्जाम्पल है, देखो कोरोजन सारे मेटल्स में होता है, कॉपर में भी होता है, गोल्ड में भी होता है, सिल्वर में भी होता है, जिंक में भी होता है, आयरन में, सारे मेटल्स में कोरोजन होता है। लेकिन अभी केवल हमें एक मेटल का कोरोजन यहाँ पर डिस्कस करना है, वो है कोरोजन ऑफ आयरन। तो जब आयरन मेटल का कोरोजन होता है तो उसको एक और नेम देते हैं हम रस्टिंग ऑफ आयरन। तो अभी एग्जाम्पल दिया हुआ रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन। तो जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है कोरोजन का वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्ट क्या है, रस्ट के बारे में आप जानते हैं कि जब हम आयरन के ऑब्जेक्ट को बहुत टाइम तक एयर में छोड़ देते हैं तो क्या होता है, आयरन के ऑब्जेक्ट पर एक ब्राउन कलर का पोरस सब्सटेंस बन जाता है, जिसे बोलते हैं रस्ट या फिर जंग लग जाता है। ठीक, तो कोरोजन के बहुत कॉमन से एग्जाम्पल है आयरन पर रस्ट का लगना। अब रस्ट क्यों लगता है, क्योंकि जब हमने आयरन के ऑब्जेक्ट को कहाँ छोड़ दिए, एयर और मॉइस्चर में, एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में क्या होता है, आयरन ऑब्जेक्ट ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है और वाटर से रिएक्ट कर जाता है, जिससे क्या हो जाता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो कैसे होता है, हमने एक्सप्लेन किया होगा, व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट इन डैम्प एयर फॉर ए कंसीडरेबल टाइम। डैम्प एयर का मतलब क्या, जहां पर मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, इट गेट्स कवर्ड विद ए रेड ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। ये रस्ट का डेफिनेशन है, इट इज ए रेड ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस, दिस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। इस प्रोसेस को बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। होता कैसे, ड्यूरिंग द कोरोजन ऑफ आयरन और रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन मेटल इज ऑक्सीडाइज बाय द ऑक्सीजन ऑफ एयर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टू फॉर्म हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड कॉल्ड रस्ट। रिएक्शन है 4 Fe प्लस 3 O2 प्लस 2 XH2O gives out 2 Fe2O3.XH2O। X यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फिक्स नहीं है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं।
इसलिए लिखा हुआ है, यदि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फिक्स होते तो x की कोई ना कोई वैल्यू होती। तो ध्यान रखना रस्ट का फॉर्मूला क्या है, Fe2O3.xH2O, ये रस्ट का फॉर्मूला। ठीक, इतना आप नोट कीजिए उसके बाद में सीखते हैं। अब देखते हैं डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ कोरोजन, मींस कोरोजन से हमारी लाइफ में क्या दिक्कत आती है या फिर हमारा क्या इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है या फिर हमारा क्या एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। पहला, इट वीकेंस आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट्स। तो पहला क्या होता है कि जहाँ पर भी कोरोजन होता है तो जो आयरन के ऑब्जेक्ट है या स्टील के ऑब्जेक्ट है वो कमजोर हो जाते हैं। ऐसा क्यों, जब उसमें रस्ट लगेगा तो रस्ट क्या पोरस सब्सटेंस है तो वो रस्ट गिर जाएगा, फिर से एक न्यू सरफेस ओपन हो जाएगा वहाँ पर ही रस्ट होगा। तो ऐसे क्या होता जाएगा, जो आयरन का ऑब्जेक्ट है वो थिन होता जाएगा, और जब थिन होता जाएगा तो उसकी लोड बेरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो होता क्या है, इससे दिक्कत क्या होती है कि जैसे बहुत टाइम पुराने ब्रिजेज हैं और वो क्या होते हैं आयरन गर्डन के सपोर्ट पर, आयरन गर्डर्स के सपोर्ट पर पड़े होते हैं, और यदि उस आयरन गर्डर पर कोरोजन हो गया तो वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वीक हो जाएगा, तो उसकी लोड बेरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो जब बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा तो ब्रिज क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, और जब कोलैप्स कर जाएगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बहुत ज़्यादा लोग मारे जाएं या फिर बहुत ज़्यादा हमारा क्या होता है मनी या पैसा खर्च हो जाए। दूसरा, इट ऑल्सो वीकेंस रेलिंग्स कार बॉडीज ब्रिजेस शिप्स ETC। तो जितने भी आयरन के ऑब्जेक्ट्स हैं सारे के सारे आयरन के ऑब्जेक्ट्स क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। अब वीक हो गए तो उनको चेंज करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए बहुत ज़्यादा मनी स्पेंड करना पड़ेगा, ए लॉट ऑफ मनी हैज टू बी स्पेंड एवरी ईयर टू प्रिवेंट कोरोजन ऑफ आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट्स। तो हर साल हमें बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है कोरोजन रोकने के लिए। कैसे, या तो हम जैसे जिस सब्सटेंस पर कोरोजन हो गया तो उसको हम रिप्लेस करें, तो रिप्लेस करने के लिए हमें सामान खरीदना पड़ेगा, तब भी पैसा खर्च करना पड़ेगा। दूसरा क्या है, कोरोजन से हम कैसे बच सकते हैं, उस पर पेंट अप्लाई करते हैं, जैसे गेट है या बहुत सारे आयरन के ऑब्जेक्ट है उसमें हम पेंट क्यों अप्लाई करते हैं, पेंट अप्लाई करने से क्या होता है उसको कोरोजन नहीं होता। तो जब उसमें हम पेंट अप्लाई करेंगे तो पेंट अप्लाई करने पर ग्लोबल एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ जाएगा। तो कोरोजन की वजह से क्या होता है, डेली लाइफ में हमारे बहुत सारे एक्सपेंडिचर क्या हो जाते हैं हमारे या फिर गवर्नमेंट के बढ़ जाते हैं। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं रेंसिडिटी। अब देखते हैं रेंसिडिटी, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन। एरियल ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि जो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंस है उसकी वजह से ऑक्सीडेशन होता है। ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड्स मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। ठीक, तो रेंसिडिटी क्या है कि जो भी फूड आइटम्स में फैट और ऑयल होते हैं उनका एयर के ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन होना ही रेंसिडिटी है। अब हमें पता है कैसे चलेगा रेंसिडिटी हो गई नहीं हो गई, तो मार्क्ड बाई इसका मतलब क्या है, कुछ प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, अनप्लीजेंट स्मेल चेंज हो जाएगा, बहुत अनप्लीजेंट हो जाएगा, और अनप्लीजेंट टेस्ट हो जाएगा, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। इस कंडीशन को बोलते हैं रेंसिडिटी। डेली लैंग्वेज में रेंसिडिटी का मतलब क्या है, फूड आइटम्स का खराब हो जाना या फिर सड़ जाना। ठीक, अब हम कैसे रेंसिडिटी से बचा सकते हैं फूड आइटम्स को, तो नॉर्मल सी बात है कि हम फूड आइटम्स को फ्रिज में डालते हैं, तो फ्रिज में क्या होता है टेम्परेचर कम होता है। हम रेंसिडिटी से कैसे बचा सकते हैं कि जब भी हम किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर कम करते हैं या फिर उसको कहीं पर कूल प्लेस में स्टोर करते हैं तो क्या हो जाएगा, उसका रेंसिडिटी नहीं होगा या फिर रेंसिडिटी या खराब होने का प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हम फ्रिज में रखें तो कोई भी फूड आइटम कभी खराब नहीं होगा, बट उसका खराब होने का टाइम ड्यूरेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मीन्स ऑक्सीडेशन होने का प्रोसेस स्लो हो जाएगा। तो रेंसिडिटी में होता क्या है, एयर से ऑक्सीडेशन होता है, तो इसका मतलब क्या है एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंस है उस ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीडेशन हो रहा। तो हम कैसे भी करके उस ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर दें, मतलब सब्सटेंस को हम ऑक्सीजन ना दें, तब भी क्या नहीं होगा, रेंसिडिटी नहीं होगा। तो रेंसिडिटी से बचने के दो तरीके हैं, पहला उस सब्सटेंस को हम ऑक्सीजन ना दें, दूसरा उस सब्सटेंस का टेम्परेचर कम कर दें। तो उसको आप नोट कर लो पहले, और हम सीखेंगे रेंसिडिटी से हम कैसे बच सकते हैं। टॉपिक है
रैंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड और प्रिवेंटेड इन द फॉलोइंग वेज। मींस रैंसिडिटी को हम कैसे कम कर सकते हैं, मतलब रैंसिडिटी या खराब होने का प्रोसेस हम कैसे स्लो कर सकते हैं या फिर रोक सकते हैं, उसके लिए हम कुछ मेथड करेंगे, कुछ पॉइंट्स करेंगे। पहला, रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स। तो ऐसे फूड आइटम जिसमें फैट और ऑयल हो वहाँ पर हम क्या डालते हैं, एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट ऐसे सब्सटेंस है जो कि फूड आइटम का ऑक्सीडेशन रोक देते हैं। तो यहाँ पर हम दो सब्सटेंस यूज करते हैं, BHA एंड BHP। ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट है। जब भी हम किसी भी फूड आइटम में BHA और BHP डाल देंगे तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अब BHA क्या है, BHA है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसो और BHP है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्यूइन। तो यदि हम फूड आइटम्स में BHA और BHT दो एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं तो फूड आइटम का रैंसिडिटी होने का प्रोसेस रुक जाएगा। ठीक, तो पहला तरीका था। उसके बाद सेकंड, रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकेजिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स इन नाइट्रोजन गैस। तो हम रैंसिडिटी को हम कैसे रोक सकते हैं कि जो भी फूड आइटम में फैट्स और ऑयल्स हो उनको हम नाइट्रोजन में पैक करें। जैसे चिप्स वेप्स है तो चिप्स के पैकेट के अंदर नाइट्रोजन फिल होती है। ऐसा क्यों, जब हम नाइट्रोजन फिल करेंगे तो वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं रहेगी और जब ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो उसमें रैंसिडिटी क्रिएट या रैंसिडिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। तो दूसरा तरीका है कि जो भी फूड आइटम्स है उनको हम नाइट्रोजन गैस में पैक करें। थर्ड, रैंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड और रिटार्डेड बाई कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। कैसे हम रोक सकते हैं कि जो फूड आइटम्स हैं उनको हम किस में डाल दें, फ्रिज के अंदर डाल दें। ठीक, अब फ्रिज के अंदर डालने से क्या होगा, सब्सटेंस का टेम्परेचर कम हो जाएगा तो रैंसिडिटी होने का प्रोसेस स्लो हो जाएगा, खराब होने का टाइम बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, रैंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाई स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। एक और तरीका है कि फूड आइटम्स को खराब होने से कैसे बचा सकते हैं, उनको एयर टाइट कंटेनर में पैक करें। जब एयर टाइट कंटेनर में हम पैक करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर एयर ही नहीं रहेगी, जब एयर नहीं रहेगी तो ऑक्सीजन नहीं रहेगी, ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, जब ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो रैंसिडिटी होगी। नेक्स्ट, रैंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड्स अवे फ्रॉम लाइट। मतलब हम रैंसिडिटी कैसे रोक सकते हैं कि जो भी फूड आइटम्स है उनको हम लाइट से दूर रखें। जब लाइट से दूर रखेंगे तो उनको टेम्परेचर नहीं मिलेगा और टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो रैंसिडिटी क्या हो जाएगा, रैंसिड होने का प्रोसेस स्लो हो जाएगा। तो ये सारे मेथड्स है जिससे हम रैंसिडिटी को कम कर सकते हैं। पहला, एंटीऑक्सीडेंट मिक्स करके। एंटीऑक्सीडेंट करते क्या है कि फूड आइटम को ऑक्सीडेशन रोक देते हैं। और कौन से एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, BHA और BHT। BHA क्या है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। BHT क्या है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्यूइन। दूसरा, हम क्या करें, फूड आइटम्स को नाइट्रोजन में पैक करें, जैसे कि चिप्स के पैकेट, कुरकुरे के पैकेट, उनके अंदर क्या होते हैं, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन क्या है, बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव गैस है तो उससे रिएक्ट नहीं करेगा तो फूड आइटम भी खराब नहीं होगी। और रैंसिडिटी कब क्रिएट होती है, जब फूड आइटम ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन कब होगा, जब उनको ऑक्सीजन मिले, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती तो रैंसिडिटी क्रिएट नहीं हो पाती। थर्ड, फूड आइटम को फ्रिज में डाल दो, जब फ्रिज में डाल दोगे टेम्परेचर कम हो जाएगा तब भी रैंसिडिटी नहीं होगी। अगला, एयरटाइट कंटेनर पैक कर दे। एयरटाइट कंटेनर में एयर ही नहीं रहेगी, जब एयर नहीं रहेगी तो ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो उनको ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। अगला, उसको हम कैसे बचा सकते हैं, फूड आइटम को सनलाइट से दूर रखें। सनलाइट से दूर रखें तो उसको हीट नहीं मिलेगी तब भी उसकी रैंसिडिटी बच जाएगी। तो ये सारे तरीके थे जिससे हम रैंसिडिटी को रोक सकते हैं, यहाँ पर रैंसिडिटी के प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा चैप्टर, पहला चैप्टर खत्म हो गया है। अब अगले क्लास में डिस्कस करेंगे सेकेंड चैप्टर, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स।